नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों ये वॉल माउंट फ़ैन है बजाज कंपनी का। दोस्तों अब ये फ़ैन प्रॉब्लम आके रोटेट नहीं हो रहा है, इसकी स्विमिंग मशीन प्रॉब्लम है। दोस्तों ये हमें इधर इसकी डवाली खींचे तो रोटेट नहीं हो रहा है, ये क्लाम्प काट के हमें डवाली खींचे तो ये खाली मोटर घूमती है, ये खाली मोटर घूमती है। इसको लोड लेके हमें ऑन करें तो ये रोटेट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें इसको गियर बॉक्स चेंज करने जा रही है। ये मोटर आके हमारे रिमोट कंट्रोलों में आती है और हमारे डवाली की डवाली आती है ना वॉल माउंट फैनों में, डवाली को रिमोट कंट्रोल फैनों को गियर बॉक्स ये टाइप का आता है। हमें इसको नया गियर बॉक्स ला के आए हैं, इसमें दो मॉडल आते हैं, इसको हमें नया गियर बॉक्स फिट करके बतलाते हैं आपको। पूरा वीडियो अच्छे से देखो और पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्विमिंग ऑन करके ऑन करता हूँ। देखो ये रोटेट नहीं हो रही है, स्ट्रक हो गई है मोटर। अब मैं ये पट्टी कार्ड को आपको चेक कराता हूँ। देखो ये खाली मोटर घूमती है, मैं अब ये पट्टी निकाल के दिखलाता हूँ आपको। देखो दोस्तों अब मैं ये ऑन करता हूँ फ़ैन को। अब देखो रोटेट होता है, ये रोटेट मशीन काम करती है। अब देखो ये देखो एमटी में गियर बॉक्स काम करता है। इसके लिए ये हमें नया चेंज करने जा रही हैं। दोस्तों ये यूपीएस का साउंड है, करंट को साउंड नहीं आएगा, यूपीएस है ना उसके लिए ये गुई बोल के साउंड आ रहा है। फ़ैन तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है दोस्तों, हमें इसका पुराना मोटर लेके हमें नया मोटर फिट करने जा रहे हैं, देखते रहिए। दोस्तों इसके दो कनेक्शन रहती हैं, ये दो कनेक्शन कट कर लो और इधर स्क्रू रहती हैं, इसके स्क्रू रहती हैं गियर बॉक्स के स्विमिंग मशीन के। ये हमें बाहर निकाल को आप कट वगैरह कट करके जॉइंट करके फिट करके आपको मैं बतलाता हूँ। दोस्तों हमें पुराने मोटर निकाल चुके हैं। दोस्तों पुराने मोटर में हमें ये लॉक रहता है, ये हमें लॉक निकाल के नवी मोटर को डालना होगा। ये कंपनी से लॉक नहीं आएगा, नवी मोटर लिए तो हमें इसका खोल के डालना होगा। इसको खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इधर कटिंग ब्लेड से इसको खींचो निकल जाता है। दोस्तों ये काटने के लिए हमारे को इधर लॉक रहता है, हमें इसको लॉक हमें ये लॉक को ऐसा प्रेस करना होगा, प्रेस करें तो ये लॉक बाहर आता है। हमें धीरे से इसको बाहर निकालो, निकालने के बाद ये भी बाहर आएगा, निकालो। दोस्तों निकालने के बाद हमें इसको अब फिट करना होगा, ये नवे पे इसका होल रहता है, होल के डायरेक्शन में हमें ये रख के फिट करना होगा। देखो ये होल के अपोजिट आ चुका है। अब हमें इसको ये चाबी डालेंगे, तो हमें चाबी मारे के बाद इधर से चाबी इधर आना चाहिए। देखो इधर आ गई है ये। दोस्तों हमें ये गियर बॉक्स को अच्छे से फिट कर चुके हैं, अब हमें ये फ़ैन को फिट करके आपको बतलाता हूँ। फ्रेंड्स देखो हमें इसको नया गियर बॉक्स फिट कर चुके हैं, अब ये रोटेट हो रहा है। देखो इधर दोस्तों ये मशीन हमारे को होलसेल में 60 रुपये पड़ी है, हमें 200 से 250 रुपये कस्टमर को डाल सकती हैं। फ़ैन के ऊपर डिपेंड है, लोकल फ़ैन है तो 150 को डालेजिए, कंपनी फ़ैन है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें फ़ैन का स्विमिंग मशीन चेंज करने का बताए हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।